rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Guys, welcome back to my vlog channel. So guys, आज है वली माँ और मैं अभी अभी सो के उठी हूँ क्योंकि बारात बहुत ज़्यादा लेट गई थी और बहुत ज़्यादा लेट आई थी. सुबह का 6 बज गया था हम लोगों को, तो बारात से वापस आते आते तो हम लोग बहुत लेट में सोए थे. 6 बजे आना और फिर 8, 8:30, 9 के करीब हम लोग सोए हैं. और आज है रिसेप्शन और रिसेप्शन की तैयारी सब लोग करने लगे. मैं ही लेट हो गई हूँ, लेकिन मैंने नहा लिया है. बट मैं यहाँ से नहाई हूँ, लाइक मैंने अपना हेयर वॉश नहीं किया है. वो इसलिए क्योंकि मेरे बालों में मैंने कर्ल कर रखा है और अगर मैं फिर से बाल को मतलब धोती तो फिर मेरे कर्ल्स चले जाते हैं. मैं बार बार अपने बालों में हीट नहीं करना चाहती हूँ. उसके बाद चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कि आज मैं क्या पहनूँगी, कौन सी इयर रिंग पहनूंगी, कैसा मेकअप करूंगी, सब मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी. तो सबसे पहले आप लोग को पता है कि एक तो मैं ब्लू वाला पहनी चुकी हूँ. सेकंड जो मैं पहनने जा रही हूँ आज रिसेप्शन के दिन वो है ये वाला लहंगा. ये वाला लहंगा तो आप लोगों ने कई बार देखा ही होगा गाइज, क्योंकि मैंने कई बार ये आप लोग के साथ शेयर किया है. इसके साथ मैं पहनूंगी ये वाली इयर रिंग, ये वाली, क्योंकि ये वाली प्रॉपर मैच हो रही है इस पर, तो ये पहनूंगी. और मैं कॉन्टैक्ट लेंस भी लगाऊंगी. और मैं कौन सा कॉन्टैक्ट लेंस लगाऊंगी वो भी आप लोग को बता दूं, क्योंकि बारात में जो मैंने कॉन्टैक्ट लेंस लगाया था सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया था. सब कह रहे थे कि आपका लेंस का कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. और कमेंट में भी आप लोग पूछ रहे थे ना कि कौन सा कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हो आप, तो मैंने यही लगाया था, स्वाति कॉस्मेटिक का ये वाला लेंस. इसका जो शेड है वो है जेड, तो ये लगाऊंगी. और चूड़ी मैं नहीं पहनूंगी क्योंकि ये थोड़ा सा वेस्टर्न काइंड ऑफ लहंगा लगता है, तो इस पर प्रॉपर फुल वाली जो चूड़ी होती है वो मैं नहीं पहनूंगी. एक ब्रेसलेट वगैरह कुछ डाल लूँगी. और मेकअप मैंने सोच रखा है कि थोड़ा सा जो है पर्पलिश टाइप आई एंड ग्लिटर वाली आईज करूँगी और पर्पल लिपस्टिक लगाऊंगी, क्योंकि इस आउटफिट पे पर्पल लिपस्टिक बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है. तो अभी दानिश कन्वेंशन सेंटर गए हुए हैं जहाँ पे जहाँ से होगी शादी, वहाँ के सारे इंतज़ाम देख रहे हैं और क्या कैसे हो रहा है सब वहाँ पे देख रहे हैं. तो बस दानिश भी लगे हुए हैं, हम भी बिजी हैं. Darling, I've been tempted by the darkness, telling me that I should throw it all away. Felt so wide, my heart is hardly helpless. Found myself so desperate on my knees to pray. So guys, it's वक्त कन्वेंशन सेंटर में चल रहा है डेकोरेशन का काम जोरों पर एकदम है. और वीआईपी लॉन्च और फूड स्टॉल मेन गेट सब पर काम चल रहा है यहाँ पर. और डिनर भी बनकर तैयार हो रहा है, तो जल्दी से चलिए मैं आप लोग को मेनू दिखाती हूँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेनू. ठीक है, तो सबसे पहले जो होता है वो स्टार्टर में आपको मिल जाएगा चिकन टिक्का, सीख कबाब, पनीर स्टिक, स्प्रिंग रोल, वेज एग रोल, फिंगर्स ऐसा कुछ है, काजू बर्फी और नॉनवेज. ये तो स्टार्टर था. नॉनवेज में होगा चिकन लगन, चिकन फ्राई, मटन स्टू, मटन सफ़ेदा, मटन बिरयानी, फिश फ्राई, कबाब. और वेज में होगा तवा सब्ज़ी, सूखी मिक्स सब्ज़ी, पनीर बटर मसाला, राजमा मसाला, दाल तड़का, ज़ीरा राइस, पापड़. और फास्ट फूड में होगा दही बड़ा, पानी पूरी, कश्मीरी चाट, मीठे में होगा खीर, शाही टुकड़ा, लौकी हलवा, आइसक्रीम. और भी बहुत कुछ है लेकिन इतना ही सुनकर आपके मुंह में पानी आ गया ना, मेरे भी बहुत तेज पानी आ रहा है. तो गाइस चलिए अब आप लोग से मिलते हैं सीधे पार्टी में. Quiet's driving me insane. Silence rattles in my brain. Yeah, I gotta get away. Always waiting for the fall. So I built my tablets tall. Wandering through these empty halls. Breaking cycles. Walls and
गए हैं। यशीन इधर आओ यार, यशीन इधर आओ, अरे आओ फोटो चौहान, इसको लिटा दो, ये फोटो काट रहा है, बहुत बेहतरीन इसकी फोटो नहीं आ रही। ठीक है भाई, घंटा नहीं मारना है, पागल हो क्या? हां तुम इसके खेल होते हैं, आपकी छवि बहुत जमाने के बाद, कई सालों के बाद मुलाकात हुई आपकी। कहाँ रहे बॉम्बे? गाजी, व्हाट इज दिस? इट्स डॉगी। तुम गंदा गंदा कुत्ता छू, अब नहलाना पड़ेगा तुमको। अच्छा, खाना खाया तुमने? खड़ी हो, सारा इधर आओ, सारा इधर आओ, यहाँ खड़ी हो, ड्रेस दिखाओ, खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, सीधी खड़ी हो, ड्रेस दिखाओ अपनी। अरे अरे, इधर आओ, इधर आओ सारा बेटा, इधर आओ, ड्रेस दिखाओ अपनी, इधर खड़ी हो, खड़ी हो। अरे नहीं काटेगा, वाह सारा, ठीक है, कोई चारा नहीं है कुत्ते के लिए, रोया कुत्ता, इनको दे दो। सो गाइस, फाइनली अभी मुझे टाइम मिला है, और ये है रोशनी, और ये है अंकिता, और ये है इनकी फिजा, उज्मा की कजिन, ब्यूटी प्लेस की। ये है, ये ब्यूटी प्लेस, ये है क्या नाम है, ये भी कजिन, ये पहले जा रहा है, जिनको अपने गेस्ट का ही नाम नहीं पता। देखिए सब मेरी बहनें हैं, जितनी हैं चार पांच है, बिछड़ी हुई बहनें मिली हैं मेरी। और आप फिजा, और जो है फैबुलस ज़ारा घूम गई थी, एक अंकल जी यहाँ बैठे थे, वहीं पर बगल में बैठी थी, बहुत देर बाद हम लोग को मिली है, बहुत तेज अंकल के पास बैठी थी, बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। अच्छा भाई दिया, उसके बाद भी तुम दूसरे अंकल जी के पास बैठ रही हो, क्या करें यार, शादी करो लेकिन बच्चा ना पैदा करो, और कम से कम 10 साल तो बिल्कुल ना पैदा करो, छींके दिला दी यार। अगर घर में किसी की शादी बची तो पहले उसकी शादी हो जाए, तभी आप लोग करो बच्चा पैदा। I walk to you so I can be close to you. It's really simple if you look at it that way. Time that we get by with money we don't know. Pockets empty but hearts are full anyway. Hey, playing like children and love like R&J. You were too good for me, but I wanted you anyway. I always loved you over my head, even when you lived alone to make your parents mad. Say goodbye to your own life. बोलो को यार, मुबारकबाद दो दोस्त को अपने। दानिश भाई मुबारक हो आपको। अबे हमारी शादी थोड़ी ना, बहु का मुबारक है। अबे साले ससुर बन गए क्या? चिकन डिनर मुबारक हो। चिकन ये देखो, पबजी लवर, पबजी लवर, पबजी लवर। हिंदी में नहीं, इंग्लिश में कर सकते हो। नहीं नहीं हिंदी, अच्छे वाले दोस्त ऐसे होते हैं। देखें क्या बोलते हो, तुम क्या बोल सकते हो, हम पर्सनली सुनाएंगे सभी को। बोलो भाई, नया बोल दिया, हार्दिक बधाई। क्या नव वर्ष की हार्दिक बधाई बोल दो, पारसी नव वर्ष की हार्दिक बधाई। साले कमीने। अब ये आप नॉनवेज खाए? क्यों नॉनवेज खाए, नहीं खाए को तो पसंद है ना नॉनवेज? बंद कर दिया, अब बंद कर दिया है। किसके डर से बंद किया? लॉकडाउन। किसके डर से बंद किया है? नहीं नहीं झूठ बोल रहे हैं, ना ना सच बताइए, सच बताइए। नो कमेंट। नो, किसके डर से बंद किए आप बताइए, आप पर्दा पर्दा फाश करिए, किसके डर से इन्होंने बंद किया नॉनवेज खाना? जब से हड्डी पकड़ी गई, बीबी ने इनकी हड्डी पकड़ ली, बीबी का डर है। अच्छा, और एक बार खाई थी इन्होंने। अच्छा, मंदिर में दर्शन करने गए थे जी, वहाँ से हड्डी निकल आई थी।
कहाँ से हड्डी निकली थी? जेब में खाते खाते हड्डी इनकी जेब में गिर गई थी जी। ध्यान दिया नहीं गया, बाद में जब शर्ट धोई गई उसमें हड्डी निकली। तो छुप के खाते हैं क्या? छुप के खाते हैं। छुप के हड्डी क्या खाते हैं आप? पहले खाया था, पकड़ गए तो छोड़े, बीवी के डर से। आप भी हमारी तरह हैं, सारे पति एक जैसे। नहीं, ऊपर वाले का डर, ऊपर वाले का डर था। यासिर भाई जो ये पत्रकार हैं, बहुत बड़े पत्रकार हैं। नहीं, तो और क्या, बड़े तो हैं ही आप। नहीं, नहीं, हम इसे। और ये ब्रजेश भैया दिल्ली के पत्रकार हैं। बताओ भाई, अब कैमरा ऑन है। सुनो यासिर भाई, तुम्हारे जो हैं, अब बताओ कैमरा ऑन है तो हमारी बीवी को जो भड़काया करते हो साले, कि हमारा ये है चक्कर चल रहा है और 10 लड़कियों से ये वो, तुम जो हरकतें करते हो अपनी जलील वाली कमीने दोस्तों वाली, तुम एक बात ये बता दो जी, बीवी तुम्हारे सामने खड़ी है, ठीक है, आज तक एक कोई वर्ड बोला हो कि दादी से? आपने कुछ नहीं है, लेकिन आप फितूर डाल देते थे। कैसे डालते हैं? डाल देते थे। वो वाली का फोन आया था, ये ऐसे मतलब बहुत सी चीजें। अब काजी नो, स्टॉप नहीं करेंगे हम। क्या बात है, बस, थैंक यू। शादी कैसी थी? बहुत ही बेहतरीन, इंतजाम A1। और खाना कैसा लगा? खाना ए क्लास। और क्या खाने में बेस्ट लगा? सबसे अच्छा मुझे लगी फिश। तुम्हें क्या? फिश का है? हाँ, फिश तो बहुत नंबर वन थी, मज़ा आ गया। तुम्हें क्या अच्छा लगा? हमने खाया 4 वेज, कौन सा था? अंडा। वेज अंडा कहाँ होता है दुनिया का? वेज अंडा सुना? नहीं, वेज करके कुछ था, एक वेज करके। हाँ, होता है, चलो ना। हाँ, वो खाया, 3 पनीर टिक्का खाया, 2 चिकन टिक्का खाया और 4 कोल्ड ड्रिंक पी। वाह, और क्या था? और कुछ था? हाँ, 2 कश्मीरी चाट खाई और उसके बाद पता नहीं क्यों भूख मर गई थी। तो अब तुम जो है सुबह मेट्रोजिल पी लेना। मत गई है। अभी नहीं हुआ। यासिर भाई। हाँ। क्या बेटा? डॉग, डॉग अभी आएगा। इसको बयानती हो? ये है। हाथ में क्या है? देखो। साल हाथ में, हाथ में मॉडल है। ब्रजेश भैया से एक चीज पूछिए, वो ज्यादा अच्छे से बताएंगे। अरे ब्रजेश भैया के पास जो है वो किसी पास नहीं दिखा दो अपनी वाली। हेलो, ये क्या है? मत कहना खाओ, खाएंगे रे। अरे बोल दे मम्मी, नहीं पीना है। ये सामने खाना हो गया। लो भाई, ये सब चावल हमें दे दो। नहीं पड़ा ये देखो, शादी में खाना खा के आई है, जो बॉर्ची ने खाना दिया है खराब ना हो तो रात में 3 बजे उसे अलाव जला के गरमाया जा रहा है। ये क्या गरमाया जा रहा है? अरे यार, खराब हो जाएगा, बहुत तकलीफ हो जाएगी। हाँ, ये हटा था। ये क्या गरमा रही हो? गरम है, देखिए आराम। क्या है? आराम से मटन, मलाई मटन। ये बहुत ताकतवर इंसान है भैया। अरे मलाई मटन करवाया जा रहा है लकड़ी जला के। वाह भाई वाह, सारा खाना। मुझे बताओ तुम हमको, सारा खाना करवाओ किस टाइम? जितना सब आया नहीं, वो चिकन करवाना पड़ेगा। चिकन लगन ज़्यादा नहीं, हल्का गरमाने को कहा गया था। हल्का गरमाएंगे तो खराब हो जाएगा पक्का जी। हाँ, पूरा खोलाना पड़ेगा।
मेरी शर्ट गर्म हो गई, बस वो तय करिए वरना लग जाएगा सामने क्रीम, क्रीम जो है ना सब जल जाएगी। कम कर दिया। सो गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पे लाइटिंग वगैरह उतर रही है, इतना जगमगा रहा था मेरा घर और अब एकदम सन्नाटा हो जाएगा मेरे घर में। और होता ही है यार, मतलब कि शादी के बाद तो ये होना ही होता है। मेहमान भी अब जा रहे हैं, मेहमान भी कितना रुकेंगे, तो हम लोग को भी बहुत ज़्यादा सन्नाटा लग रहा है। लेकिन आप लोग हो ना, अच्छा ठीक है, कैसा लगा ब्लॉग ये ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।